उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में तारीख पर पहुंचे। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने पत्रकारों से काफी लंबी बातचीत की। पत्रकारों ने कहा कि चर्चा के मुताबिक ओपी राजभर भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। इस पर जवाब देते हुए आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उसे कोई खत्म कर देगा। समाजवादी पार्टी एक बड़ी विचारधारा है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इसी क्रम में सावन में कांवड़ियों की सेवा करते पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आजम खान ने कहा कि जो भी जवाब लेना है वह असदुद्दीन ओवैसी से लें। बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि आजम खान असदुद्दीन ओवैसी के बयान का बचाव करते हुए नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल में आईडी के छापों के बारे में पूछा तो आजम खान ने साफ कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उनके पास ना दिमाग है, ना आंखों में रोशनी है और न ही मुंह में जवान है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। साथ ही महंगाई के ऊपर आजम खान ने जवाब दिया कि देश में लोगों की आमदनी ज्यादा है। उन्होंने पत्रकारों की तरफ इशारा करते हुए भी कहा कि हर पत्रकार 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। जब आमदनी ज्यादा है तो फिर महंगाई की शिकायत किस लिए? बढ़ते क्रम में समाजवादी पार्टी की सरकार ना बनने पर आजम खान ने कहा कि वह सिकंदर नहीं बन पाए हैं, लेकिन हाँ बंदर जरूर बन गए हैं। और उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए उन्हें बंदर बनाने वाले को मदारी के नाम से संबोधित किया और कहा कि आज वह बंदर बनकर कभी मुरादाबाद, कभी फिरोजाबाद तो कभी कहीं और बंदर बनकर दौड़ लगा रहे हैं। वहीं लखनऊ के लूलू मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा वाले मामले में आजम खान ने कहा कि उस लूलू मॉल का मालिक आरएसएस का फाउंडर है और नमाज पढ़ने वाले भी उसी के ही थे और विवाद भी उसने ही पैदा किया है। अगर नाम बदलना है तो लूलू मॉल का नाम उसका मालिक बदले, लेकिन वह नहीं बदलेगा, उसे तो उस नाम से पैसा कमाना है। लूलू नाम का मजाक बनाने पर एक पत्रकार ने जब आजम खान से कहा कि लूलू लफ्ज कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, तब आजम खान ने पत्रकार से कहा ठीक है आप मुझे भी कुरान पढ़ा दीजिए और उल्टा मुस्लिम पत्रकारों से ही कुरान पर सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। साथ ही देश में लगातार ईडी के छापों पर जब आजम खान से पत्रकारों ने सवाल किया तो आजम खान ने फिर वही बात दोहराई और कहा कि वह अंधे हैं, उन्हें नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है। वहीं अंत में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अखिलेश के ऊपर लोग निशाना लगा रहे हैं तो आजम खान ने कहा कि इस बार जब वे अखिलेश सिंह यादव से मिलेंगे तो उन्हें तीर कमान देंगे और उनसे कहेंगे जो उनके ऊपर निशाना लगा रहा है वो उस पर निशाना लगाएं। हम इस चीज को देखते ही नहीं तो अंधांग सीनियर ना? लीडर है ना सर, इसलिए आपसे हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर लीडर का हूं, लीडर किस दिन हुआ मैं? सर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग की गई है सपा के विधायक को दोबारा। आपको किसने बताया ये बताया? सर जिसको जिसने आपको बताया उससे पहले पार्टी से निकलवाऊंगा। सर धीरे धीरे समाजवादी पार्टी धीरे धीरे समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर भैया, तो क्या आप और कुछ प्रयास करेंगे इसके लिए? तो सीमेंट ला के दो ना जोड़ने वाला। सर लोकसभा चुनाव के लिए आप जैसे शुभचिंतक कहाँ मिलेगा मुझे? 24 में लोकसभा चुनाव है जी, क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी? अभी तो साहब लंगोटे सिलने को दी हैं, काफी महंगी सिल रही हैं। सर क्या ओम प्रकाश राजभर से बात करना पसंद करेंगे आप एक बार रोकने के लिए? भाई मेरे 3 तलाक वाली बात आ गई थी उनके ऊपर। भैया देखो वो बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, सरकार भी बना रहे थे। गौरतलब है कि आजम खान मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में अपने बेटे अब्दुल आजम खान के साथ मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में दर्ज हुए मामले में पेश हुए थे।